हाय गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हाउ टू क्रिएट Amazon अफिलिएट अकाउंट। कैसे आप लोगों को एक Amazon अफिलिएट अकाउंट या फिर बोल सकते हैं एक Amazon एसोसिएट अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद कैसे आप लोगों को लिंक्स जनरेट करने हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ तीन चीजें भी शेयर करूंगा इसी वीडियो में, ताकि आपका Amazon अकाउंट बैन ना हो, अफिलिएट अकाउंट बैन ना हो आगे जाके, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, करंटली हम लैपटॉप पर करने वाले, अगर आप स्मार्टफोन से करना चाहते हो Amazon अफिलिएट अकाउंट, स्मार्टफोन से क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको सिंपली बस एक स्टेप करना है, वो ये, अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जाओ, टॉप राइट मेन्यू में जाके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर दो, उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करो जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हमारे कंप्यूटर की तरफ। अब यहाँ पर अगर बात करें, आपको आना है amazon.in, अपने क्रोम ब्राउजर या फिर मोजिला में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे नीचे जाके हमें ऑप्शन मिलता है मेक मनी विद अस। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं अमेजोन से पैसे कमाने के, लेकिन इस वीडियो में हम एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं बिकम एन एफिलिएट, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ओपन न्यू टैब। अब इस पर आने के बाद मैं इस पेज का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा, उसके थ्रू भी जा सकते हो और amazon.in के होम पेज के थ्रू भी जा सकते हो। अब यहां पर आने के बाद आप लोगों को साइन अप पर क्लिक करना है। अब अगर आपका ऑलरेडी Amazon अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, साइन इन कर सकते हो, अगर नहीं है तो क्रिएट योर Amazon अकाउंट। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें Amazon अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले नाम डाल लेते हैं अपना। अब मैं किसी और का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है Amazon का। ठीक है, अब कुछ ऐसी विंडो शो होगी हमारे आगे, यहाँ पे हमें बहुत सारी डिटेल फिल करनी है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आता है टॉप में पे नेम, इसके अंदर हमें वो डिटेल डालनी है, उसका नाम डालना है जिसके अकाउंट में, जिसके बैंक अकाउंट में हम पेमेंट रिसीव करने वाले, जो आपकी Amazon की पेमेंट होगी जिस बैंक अकाउंट में आएगी वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। जो बैंक अकाउंट में नाम मेंशन कर रखा है वही नाम यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप पेरेंट के उसमें लेने वाले हो, किसी और के बैंक अकाउंट में लेने वाले, तो उनका नाम डालो अभी के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं डाल लेता हूँ। अब यहां पर एड्रेस डाल लेते हैं। अब एड्रेस के बाद हम सिटी डाल लेते हैं, सिटी के अंदर। अब यहां पर स्टेट, पोस्टल कोड, उसके बाद अपना फोन नंबर डालना है। अब फोन नंबर डालने के बाद हमें यहां पे नेक्स्ट चीज पूछ रहा है, हु इज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट। अगर जो आपने ऊपर पे नेम डाला है, यहां पर टॉप में आकृति कलर डाल रखा है जैसे हमने, वो आप ही हो, आप अपने बैंक अकाउंट में ही पेमेंट रिसीव करोगे, तो फर्स्ट को सिलेक्ट करो, नहीं हो तो सेकंड को सिलेक्ट करो और अपना नाम डालो यहाँ पर। ठीक है, और फोन नंबर डालो। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर आप यूएस में रहते हो तो यस करो, अगर नहीं रहते हो तो नो करो, यूएस वालों के लिए कुछ अलग से टैक्स है तो नो कर लेते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। नेक्स्ट, अब इस पेज के अंदर हमें अपना लिंक डालना है जिसके थ्रू भी हम प्रमोट करने वाले हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो हमारा, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम पेज हो, या हमारी वेबसाइट, या हमारा यूट्यूब चैनल, या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे लिए हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल का लिंक उठा के डालता हूँ मैं यहाँ पे, जिसके लिए हमने साइन अप कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट और ऐड कर देते हैं। अब मिनिमम हमें यहाँ पे एक लिंक डालने हैं और मैक्सिमम हम यहाँ पे 50 डालने हैं, डाल सकते हैं 50। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं, मैं एक ही डाल रहा हूँ। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है, इसके अंदर हमें और डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आता हमारा एसोसिएट स्टोर आईडी, इसके अंदर ये आप यूजर नेम की तरह समझो, इसके अंदर आपको एक यूजर नेम टाइप फिल करना है। मैं यहाँ पे आकृति कलर डालता हूँ, जरूरी नहीं है यही मिलेगा, एग्जैक्ट अवेलेबल होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट ये आती है हमारी मोबाइल, हमने हमारी जो यूट्यूब चैनल जो हमने मेंशन किया था, यहाँ पर आपकी वेबसाइट या आपका जिस भी तरीके से आप प्रमोट करने वाले प्रोडक्ट को वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट आती है आपके कि जो हमारे वेबसाइट है, यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है, वो किस बारे में, उसके बारे में थोड़ा अबाउट लिखना है। अब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, यूट्यूब चैनल से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हमारे टॉपिक किस बारे में, जो हमारे जिस भी तरीके जो हमारी वेबसाइट है या हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका टॉपिक क्या है प्राइमरी। अब यहाँ पर कुछ फैशन से रिलेटेड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल फैशन से रिलेटेड है, तो यार चूज कर लेता हूँ, सेकेंड अदर चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हम कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हैं। अब यहाँ पर कैटेगरीज हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ एक में, अब दूसरी चीज क्लोदिंग। अब नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस बारे में है, अगर ब्लॉग कॉन्टेंट वेबसाइट है, कंपेरिजन शॉपिंग इंजन है, कुछ ऐसा टाइप का, तो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम यूट्यूब चैनल करें तो अदर कर लेता हूँ मैं, इसको भी अदर कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर हम ट्रैफिक कैसे लाने वाले हैं हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाते हैं ट्रैफिक, और दूसरा सोशल नेटवर्क और डिस्प्ले एड्स चला के लाते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद आते हैं हाउ डू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेटिंग, हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं करंटली। तो प्राइमरी सोर्स हमारा है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, दूसरी थर्ड पार्टी एफिलिएट नेटवर्क कर लेते हैं। अब लिंक कैसे बिल्ड करते हैं, हम यूट्यूब चैनल कर रहे हैं तो अदर कर लेते हैं। अब यहाँ पर विजिटर कितने आते हैं, विजिटर की बात करें, आप जितने विजिटर आते हैं आपकी वेबसाइट या आपके यूट्यूब चैनल पर उतने सेलेक्ट कर सकते हो मंथली। अब यहाँ पर मैं इतने कर लेता हूँ। अब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं हम एफिलिएट नेटवर्क अमेज़न का, ऑफकोर्स पैसे कमाने के लिए, टू मोनेटाइज माई साइट। अब नेक्स्ट चीज आती है, आपने सुना कैसे एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, एग्री फिनिश। अब हमारा Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हमारी एसोसिएट आईडी, यूनिक एसोसिएट आईडी ये है। अब नेक्स्ट ही आते हैं, यहाँ पर हमें कुछ पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। पेमेंट मतलब हमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसमें हमें अपने हमारे पैसे मिलेंगे, मंथली पेमेंट आएगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ तीन चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का Amazon का अकाउंट बैन ना हो, एफिलिएट अकाउंट, और आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली चीज़ आते हैं यहाँ पर, आपको स्टार्टिंग के जो 180 डेज हैं उनमें आपको 3 सेल्स करनी पड़ेंगी अपने एफिलिएट नेटवर्क की तरफ, अपने एफिलिएट अकाउंट के थ्रू, नहीं तो आपका एफिलिएट अकाउंट, अमेज़न एफिलिएट अकाउंट बंद हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पर कि आप कभी भी लिंक शॉर्टनर यूज मत करना, नहीं तो आपका अमेज़न एफिलिएट अकाउंट बैन हो जाएगा। लिंक शॉर्टनर मतलब जो बिटली होते हैं, शॉर्टन URL होते हैं, और भी बहुत सारे शॉर्टनर आते हैं जिनके थ्रू आप लिंक को शॉर्ट कर सकते हो, वो नहीं करने क्योंकि अमेज़न अलाउ नहीं करते हैं, करोगे तो आपका अमेज़न अकाउंट बैन हो सकता है। थर्ड चीज़ जो मैंने भी गलती करी और Amazon अकाउंट को बैन किया है वो ये है, जो आप भी कर सकते हो, कि कभी भी अपने Amazon का लिंक शेयर मत करना, प्रोडक्ट का लिंक जो आप जनरेट करोगे वो शेयर नहीं करना है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ, Amazon को पता चल जाता है, और पता चलने के बाद आपका Amazon एफिलिएट अकाउंट बैन हो जाएगा परमानेंट। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि प्रोडक्ट कैसे जनरेट करना है, लिंक कैसे जनरेट करना है प्रोडक्ट के। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लेटर करते हैं, और जब आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दोगे तभी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो उसके बाद। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन जरूर से भर देना पेमेंट, ताकि आपकी आप आए आपके बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट इज गेट स्टार्टेड। इसके बाद कुछ ऐसा लगता है डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे जिनको आप प्रमोट कर सकते हो डायरेक्ट गेट लिंक पर। यहाँ पर आपको समरी दिख जाएगी इस मंथ की, महीने की। यहाँ पर आपको ओवरव्यू, कितने प्रोडक्ट बिके, ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कितने प्रोडक्ट बिके, कब बिके, कौन कौन से प्रोडक्ट बिके, और बहुत सी डिटेल। यहाँ पर लास्ट 30 डेज पे क्लिक करोगे तो आपको टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज इसे निकाल सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, फी समरी। अभी के लिए यहाँ पर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट नहीं सेल किया है, तो मैं आप लोगों को अपने अमेज़न अकाउंट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट्स के, सबसे पहले मैं आप लोगों को डैशबोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा शो होता है, समरी हमारी लास्ट मंथ की, ओवरव्यू, और अब रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स। अब अर्निंग रिपोर्ट्स के अंदर हमें कुछ ऐसा डेटा देखने को मिल जाता है जहाँ पर हमें क्लिक्स नज़र आ रहे हैं, कितने ऑर्डर हुए हैं, शिप्ड, रिटर्न, कन्वर्जन रेट हमारा, और साथ ही साथ हमारी अर्निंग, और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर आप लोग और भी चीज़ें देख सकते हो, कितने अर्निंग हुई, कितने क्लिक्स है, और साथ ही साथ कितने प्रोडक्ट बिके, बहुत सी चीज़ें। आप जब इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत सी चीज़ें समझ जाओगे और जान जाओगे और सीख जाओगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को कैसे एफिलिएट लिंक जनरेट करने हैं, उनको फिर उसके बाद जाके प्रमोट करना है, ठीक है। तो अब बताता हूँ आपको, सबसे पहले आते हैं हमारे डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कीवर्ड डालने का, आप प्रोडक्ट का नाम डालो, जैसे हम डाल लेते हैं यहाँ पे Amazon ट्राइपॉड। तो यहाँ पर बहुत से ट्राइपॉड आ रहा है, अगर मैं गेट लिंक पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है मेरे पास। अगर मेरे को इमेज के फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को लिंक चाहिए डायरेक्ट तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालनी पड़ जाकर, शॉर्ट लिंक करके जो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो अपने यूट्यूब वीडियो के, वो लिंक यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके डाल सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरीका था लिंक जनरेट करने का। दूसरे तरीके की अगर बात करें, आप amazon.in ओपन करोगे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे, तो प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे प्रोडक्ट ओपन किया, यहाँ पर टॉप में साइड स्ट्राइप आता है। अगर आपका वही Amazon अकाउंट खुला है जिसके थ्रू आपने एफिलिएट अकाउंट भी क्रिएट करा है, तो आपको यहाँ पर टॉप पर साइड स्ट्राइप मिलेगा, जिस पर अगर आप क्लिक करोगे टेक्स्ट के अंदर तो आपको शॉर्ट लिंक मिल जाएगा, फुल लिंक मिल जाएगा, जैसे आप यूज़ करना चाहते हो, कॉपी एंड पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, जो ट्रैक हो जाएगा बाद में आपके रिपोर्ट्स के अंदर, अर्निंग रिपोर्ट्स के अंदर, कितनी अर्निंग हुई, कब हुई, कितने ऑर्डर हुए, कितने रिटर्न हुए, सब कुछ आ जाएगा। तो गाइस ये था तरीका Amazon अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने का। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करना, कर दिया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ ही साथ बहुत से तरीके Amazon अफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के,
आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके के थ्रू करना चाहते हो। अगर वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब चैनल के थ्रू करना चाहते हो तो मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, ऊपर देख सकते हो एक स्मॉल चैनल के साथ जिसमें 0 सब्सक्राइबर्स भी है, कैसे एफिलिएट लिंक प्रमोट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो, उस वीडियो को जरूर देख लें। एग्जांपल के साथ बता रखा है कैसे एक स्मॉल यूट्यूब चैनल ने पैसे कमाए एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो वीडियो पसंद आएगी तो साथ ही साथ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगली वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक ले टाटा।